आज बसपा आलाकमान ने भिंड दतिया के लिए अपने प्रत्याशी चयन को लेकर रायशुमारी की और संभावित प्रत्याशी संजू जाटव को भी बुलाकर उनकी योग्यता का पैमाना परखा। यह इंटरव्यू बसपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रामजी गौतम, प्रदेश प्रभारी सतीश जाटव व प्रदेश अध्यक्ष पीपी चौधरी ने लिया। इस दौरान भिंड दतिया से अन्य चार दावेदार बाबूराम जामोर, राजू दोहरे, रामप्रकाश मेहरा, सुनीता गौतम को भी संजू जाटव के साथ बुलाया गया था, जिनमें प्रत्याशी में संभावित दो नाम 60 वर्ष से अधिक उम्र के कारण बाहर हो गए। वहीं एक संभावित नाम बिल्डर होने के कारण व एक संभावित नाम दतिया से होने से संजू जाटव पर बसपा नेताओं में संभवतः ही सहमति बन गई। संजू राजनीति में वरिष्ठ हैं और उनके बैकग्राउंड व लोकप्रियता के कारण बसपा उन्हें भिंड दतिया से मैदान में उतारने की रणनीति पर काम कर रही है। सूत्रों के मुताबिक संभावित उम्मीदवार के नाम की घोषणा आज देर रात या कल तक हो सकती है। संजू को स्थानीय होने का लाभ भी बसपा आलाकमान से मिल रहा है। बसपा आलाकमान स्थानीय प्रत्याशी होने का मुद्दा भिंड में संजू के काम को लेकर उन्हें प्रत्याशी के तौर पर आगे बढ़ाया है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।